बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ की, बहुत बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। और मेरे यहाँ हाज़िर होने की बहुत सी अहम और गैर अहम वजूहात में एक बहुत बड़ी वजह और सब बड़ी अहम वजह ये है कि मैं शैलेंद्र जी के नाम से यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, जो मेरे दोस्त भी थे और गुरु भी थे। और आज उनकी गैर हाज़िरी में फिर मैंने शैलेंद्र जी कह लिया। मुझे याद है जिस तरह से उन्होंने मुझे डांटा था, और बॉम्बे यूथ स्क्वायर में मुलाकात होती थी उनके साथ अक्सर, इप्टा में भी आया करते थे इंडियन, और पीडब्ल्यू में भी मिलते थे। तो ये डांट के एक बार उन्होंने कहा था, ये तुम्हारे साथ ब्यासु और देबू ये दोनों मुझे शैलेंद्र कहते हैं, तुमने ये जी का दुम छल्ला क्यों निकाल लगा रखा, इसे निकालो। तो झिझकते हुए फिर सिर्फ शैलेंद्र कहते हुए कुछ बोल लगता था, बड़ा ऑड लगता था। सीनियर थे मुझसे, बड़े थे, लेकिन स्वभाव ऐसा दोस्ताना कि बड़ी मुश्किल से आदत डाली, और या उन्हें शैलेंद्र कह लिया और जी दिल में कह लिया उन्हें ना कह, ताकि वो ना सुने। ये अगर बंद कर दो तो बड़ा आँख पे लगता है ये। हाँ, और दोस्ताना फिल्म से बाहर ही हुआ था इस तरह से। और मुझे याद है कि वजह आप सब जानते हैं, लिख चुका हूँ कई बार, कई बार कह भी चुका हूँ, कैसे सचिंदा के साथ एक दफ़ा कुछ नाराज़गी हो गई, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम शैलेंद्र नहीं, क्या दूसरे राइटर के साथ लिखेगा, कोई भी राइटर ला के दो, हम नए राइटर के साथ लिखेगा, हम शैलेंद्र के साथ। देबू जो उनके यहाँ असिस्टेंट थे, मुझे ले गए, ले क्या गए, मैं नियत नहीं थी फिल्मों में आके लिखने की अभी, और ख़ुद को इस काबिल भी नहीं समझता था कि अब इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। नज़्म तो अपनी मर्ज़ी से कह ली, जब जी चाह कह ली, अब दूसरे की सिचुएशन पे कहो, दूसरे की कहानी पे कहो, दूसरे के किरदार पे कहो, और वो भी जब आपको वो नाप तोल के मीटर दे दिया गया कि इसी मीटर में, इसी लाइन पे, इसी धुन में कहो, और ख़ास तौर पे मुझसे बेसुरा जिसे गाना भी नहीं आता था, तो लगता था ये बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ मत जाओ, उस तरफ जाओ वरना खामखा पोल खुलेगी। और मैं इनकार कर रहा था जिस वक्त पे देवू ने जाके शैलेंद्र जी से कह दिया, और शैलेंद्र ने मुझे, अरे तुम समझते क्या हो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में क्या सारे अनपढ़ रहते हैं यहाँ पे, जाओ जाके वहाँ बेमलोरे के पास, लोगों को काम नहीं मिलता, लोग वहाँ ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो जाओ जाओ साथ में। एंड दैट्स ऑल, ही गेव मी द ऑर्डर एंड द टिकट टू एंटर, एंड इस तरह फिल्मों में शामिल हुआ। सो मेरी इंडस्ट्री में दाखिल होने की वजह भी वही थे, और इसलिए कहता हूँ कि उनसे सीखा भी बहुत था, तो गुरु भी थे, और दोस्ताना भी हो गया, और मैं चला गया, और मुझे मीटर भी थमा दिए गए, और उसके ऊपर जिस जब मैंने गाना लिखा था, पहला गाना था, मुरा गोरो अंग ले दे मोहे श्याम रंग दे दे, उसके बाद एक और वाक्य हुआ छोटा सा, कि सचिंदा की कोई वजह हुई, सुलावे कह नहीं, वो शैलेंद्र को बुलाओ, हम उसके साथ लिखेगा, हम नहीं नया। तो बिमल रॉय एंड सचिन देव बर्मन ऑफ एक सेम एज पे, और दो बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए, लड़ भी लेते थे, अटखेलियाँ भी करते थे, और पान मांगे तो नहीं देंगे, तुमको पान नहीं देगा, तुम ऐसा करो पहले, तो ये सारा चलता था उनके दरमियान। तो शैलेंद्र को वापस बुलाया गया, तो उन्हें शैलेंद्र को बड़ा दरअसल अटपटा लगा कि गुलजार तुम्हारा गाना पसंद भी आया, लोगों को अच्छा भी बनाए, तो
मैं कहा देखिए वो कुर्सी पर रुमाल रखा हुआ है, जाइए रुमाल उठाइए और बैठ जाइए, वो आप ही की जगह बिल्कुल जैसा मैं जावेद साहब के लिए अब भी कर रहा था यहाँ बैठा हुआ हॉल में। बहरहाल वो बैठ गए तो मुल्ला ने उसके बाद मुझसे कहा कि तुम जानता हूँ तुम गाने नहीं लिखना चाहते थे, आने से पहले कहा था, लेकिन तुम वापस वहाँ जहाँ काम कर रहे हो एक मोटर गैरेज में मैं काम करता था कि वहाँ नहीं जाओगे, तुम इधर आओ हमारे साथ असिस्टेंट हो जाओ। सो इन सो मैनी वेज द फेट टर्न्स यू ऑन। इट वोंट बी रॉन्ग अगर मैं कहूँ कि माई फेट वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाई शैलेंद्र एंड आई केम टू फिल्म्स, जहाँ से रिकॉग्निशन भी मिली और जहाँ से रोजी रोटी भी मिली और जहाँ आप जैसे दोस्त भी मिले और ऐसे ऐसे चेहरे अमर हैं जिनके साथ अभी तक चल रहा हूँ। आई केम टू द इंडस्ट्री एंड शैलेंद्र जी के साथ उठना बैठना पहले भी था और फिर और बढ़ता गया। अ कमिटेड मैन, अ कमिटेड मैन टू आइडियोलॉजी, अ कमिटेड कम्युनिस्ट, अ पार्टी मेंबर, एज आई वॉज डिस्कसिंग विद हिज चिल्ड्रन, सो वॉज सलील चौधरी, सो वर सम अदर, बहुत से लेफ्टिस्ट थे उस वक्त इंडस्ट्री में जो कमिटेड थे और वो ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र रेलवेज में थे और रेलवे ट्रेड यूनियन में बड़े एक्टिव मेंबर, बहुत ही एक्टिव मेंबर। तो नॉट ओनली अ फिल्म लिरिसिस्ट, ही वाज अ पोएट ऑफ द पीपल एंड अ पोएट ऑफ द प्रोटेस्ट। उनकी जो नज़में हैं, उनकी कविताएं हैं जो प्रोटेस्ट की और जो आवाम में और जाके वो पढ़ा करते थे जलसे में, वो एक और बहुत बड़ी सतह है जो शैलेंद्र का मुकाम है, वो उससे भी एक और ऊंचा मुकाम है जहां वो बिलोंग करते थे और जहां के से वो फिल्मों में आए थे लिखने के लिए। हम उन्हें उन नज़मों से भी जानते थे, कविताओं से भी जानते थे और फिर उनके ये गाने, एक कमिटेड आदमी जो एक आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड है, उसका अपना अस्तित्व, उसका अपनी आइडियोलॉजी, उसके अपने ख्यालात, वो जहाँ पे उसका बिहेवियर भी, जो भी बर्ताव भी होगा वो वैसे ही होगा जो उसकी अपनी कन्विक्शन है और उसकी शख्सियत उसके काम में झलकती है। वही आवाम की जबान, जिस जो आवाम की जबान के साथ वो जुड़े हुए थे बाहर, वो उनकी फिल्मी गानों में भी नज़र आती है। वो जबान कहीं से उठाई हुई, चुराई हुई या मांगी हुई या उधार ली हुई नहीं है, वो उनकी अपनी अंदर की जबान है, उनके दिल की और दिमाग की, जो उनके संस्कारों में बसी हुई थी, जो उनका कल्चर था, जो उनकी सभ्यता थी। इसलिए आपको वो सुनाई देता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी हिंदुस्तानी। ये आवाज़ उनके अंदर की आवाज़ है और जहाँ मौका मिलता है वो किसी सिचुएशन पर, किसी कैरेक्टर पे, वो अपना अपनी बात कह देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। दिल का हाल सुने दिल वाला, कह के रहेगा कहने वाला, अरे रे 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 ये तो है थानेदार का साला। ये इस अंदाज में आपने और आइडियोलॉजिकल विद एन थॉट, विद एन आइडियोलॉजी, ये गाने मार्क उस तरह से नहीं किए, लेकिन वो तहों में, अल्फाज की तहों में अपनी बात रख देना और एक लेयर और रख देना जो सामने स्क्रीन पे नज़र आता है उसके पीछे भी वो कुछ कह रहे हैं, ये बात शैलेंद्र जी के पास थी और शैलेंद्र ही ने दी और हमने उन्हीं से सीखा था, इसलिए हमें मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो ऊपर की बात कहते हैं तो उसके नीचे एक बात और कह रहे हैं। आम आदमी, अभी फिल्म में आपने कहा कि बिल्कुल आम आदमी, हाँ आम आदमी से जुड़े हुए थे, आम इंसान से जुड़े हुए थे और आम आदमी की स्ट्रगल के साथ जुड़े थे, इसलिए
और ये बात, ये मिसाल मैं कई बार दे चुका हूं, कई बार कई जगह पर और लिखा भी है। जब ये कहते हैं मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, एक कॉमन आदमी, एक कॉमन मैन, उसको वो डिफाइन कैसे करते हैं और उसकी ताकत को किस तरह से, क्षमता को, उसके अंदर जो जो उसके अंदर अपना अपना अस्तित्व है, जो अपनी हैसियत है उसकी, वो जिस तरह से बयान करते हैं उसके अंदर, तो वो बात वो अपने कह भी जाते हैं, होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, दिस इज अ कॉमन मैन इज टॉकिंग अबाउट। वो एक अंदाज है जो राज साहब कैरी करते हैं, एंड ही वॉज प्लेइंग अ कॉमन मैन, होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे और हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे, मेरा जूता है जापानी या दिल है हिंदुस्तानी। तो वो बात मामूली बात नहीं है, वो जमहूरियत की बात भी करते हैं उसमें, डेमोक्रेसी की बात भी करते हैं और उस आम आदमी की बात भी करते हैं, जब वो इरादा कर ले तो कैसे वो अपना इनकलाब पैदा करता है, रेवोल्यूशन पैदा करता है, वो बात भी उसमें कहते हैं। सो सिर्फ ये कि उनके गाने पॉपुलर हुए, सिर्फ उसी हैसियत के पे नहीं देखना चाहिए, शैलेंद्र को जानने के लिए आपको कुछ लेयर्स और भी खोलनी पड़ेंगी, उनको पहचानने के लिए आपको कई तहें और कुरेदनी पड़ेंगी नीचे से, वरना आवारा गाना, आवारा एक पूरे मुल्क का गाना बन गया जाके हिंदुस्तान से बाहर, ये ना उससे पहले हुआ था ना आज हुआ, उसमें राज साहब बस प्रोबेबली दी डायमंड फॉर हिम, जिससे वो चमक पैदा हुई और उनके गीत और उनके गाने वहाँ तक पहुँचे और उनके अल्फाज वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो उनके मानी जाने बगैर ये नहीं हो सकता कि कोई भी लाइन, कोई भी गाना, कोई भी गीत इस तरह आवाम की ज़बान बन जाए, और वो भी रूस, पूरे रूस में आज तक गाते हैं, वो राज कपूर बोलते हैं, राज कपूर बोलते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं उसका गाना बोल गया। एक जगह थी यहाँ सांता क्रूज में जिसका नाम था बापू निवास, सांता क्रूज स्टेशन के उस तरफ है एक गली में, ये एक जगह थी जो शैलेंद्र जी ने ली, एक जगह ली थी कि यहाँ पे एकांत में बैठ के लिख सकूँ, काम था, लोग बाग साथ रहते थे, सिटिंग जोन थी, सारा नहीं कर पाते थे, वक्त नहीं मिलता था, तो ओवरनाइट करना, देर तक काम करना, कुछ काम, बापू निवास एक जगह ली उन्होंने, वहाँ एक वन बेडरूम, एक कोई छोटा सा बंगला था उसका आउटर हिस्सा, कि मैं यहाँ पे बैठ के आराम से काम कर सकूँगा, किसी वक्त लिख सकूँगा। तो बाशु के कुछ दोस्त, बंगाल से कुछ दो दोस्त आए, तो ठहरने के लिए जगह नहीं थी, तो शैलेंद्र ये दोस्त मेरे आए हैं बंगाल से, कलकत्ता से, इनको रहने के लिए दो चार दिन रहेंगे चले जाएंगे, हाँ रख लो बिठाओ।